मैरी क्यूरी के बारे में तो आप सबने सुना होगा, मगर आज हम आपको वर्ल्ड की तीन सबसे सक्सेसफुल फीमेल साइंटिस्ट और सोसाइटी में उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। एंड्रिया गेज। एंड्रिया का जन्म 16 जून 1965 को यूएसए में हुआ था। एंड्रिया बचपन से ही अपने टेलीस्कोप के साथ घंटों बिताया करती थी। शी इज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। एंड्रिया को फिजिक्स में 2020 में नोबेल प्राइज मिला। She earned Nobel Prize for the discovery of a supermassive black hole at the center of our galaxy, Milky Way. Apollo landing से एंड्रिया बहुत प्रभावित हुई थी और वहां से ही उन्होंने अपना करियर एस्ट्रोनॉमी में शुरू किया। They used to say, gravity wins over all other forces. Although हमें पता है कि gravity is the weakest among four fundamental forces, but gravity एंड्रिया का सबसे पसंदीदा फोर्स था। मारिया मेयर। मारिया का जन्म जर्मनी में हुआ था, पर बाद में वह अमेरिकन सिटीजन बन गई। मैरी क्यूरी के बाद वह दूसरी महिला थी जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। एटॉमिक न्यूक्लियस के न्यूक्लियर सेल मॉडल के लिए मैरी को 1963 में नोबेल प्राइज मिला। टू फोटोन एब्जॉर्प्शन थ्योरी के लिए उन्हें पीएचडी मिली और डबल बीटा डीके पर पेपर पब्लिश करने के लिए पॉपुलैरिटी। मारिया हमेशा कहती थी, Winning the prize wasn't half as exciting as doing the work itself. F. Bari Sinoussi. Sinoussi का जन्म पेरिस फ्रांस में हुआ था। She was a French virologist. Virologist is someone who studies virus and the diseases caused by them. Sinoussi discovered that AIDS HIV के कारण होता है। HIV यानी Human Immunodeficiency Virus. इस डिस्कवरी के लिए सिनूसी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 2008। इन अर्ली चाइल्डहुड ड्यूरिंग वेकेशंस दी यूज्ड टू स्पेंड आवर्स एनालाइजिंग इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। सिनूसी कॉलेज रेगुलर नहीं जाती थी, फिर भी हर एग्जाम में अव्वल नंबर लेकर आती। शी यूज्ड टू से, आई मेड अप अ माइंडसेट दैट आई विल ट्राई एंड शो दैट वुमेन कैन स्टडी साइंस एंड ऑल्सो डू अ गुड जॉब इन इट। इन तीनों वैज्ञानिकों ने ये प्रूफ किया कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं, और हमारे देश की बेटियों को ये समझना पड़ेगा कि अगर भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना है तो लड़कियों को साइंस में आना ही पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपनी उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन लड़कियों के साथ शेयर कीजिए जो साइंस में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, जो साइंस में कुछ सक्सेसफुल करना चाहती हैं, जो साइंस में कुछ डिस्कवरी करना चाहती हैं। धन्यवाद। जय हिंद।